चेक करो, फाइनली पहुंच चुके हम लोग। यहाँ पर ना बर्फबारी कुछ ज्यादा तेज हो गई है एंड हमें लगा नहीं था इतनी तेज बारिश होगी। और आज मैं आसमान की ऊंचाइयों पर और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। भाई साहब तूफान आ रहा है भयंकर वाला। ओ भाई ये तो बहुत दूर से आ रहा है। हमारा हाइलेक्स का UK07007 नंबर आ चुका गाइस। क्या मजा है गाइस। इससे पहले इतना एक्सट्रीम तो नहीं करा हुआ ऋतिका तुमने। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys. आज इस vlog की शुरुआत हो रही है पांग से guys. कल रात हम लोग पांग में रुक गए थे and the thing is पांग में ना ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है। हम लोग सुबह उठे, इवन जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ ना तो ऑक्सीजन लेवल आर वे टू लो गाइज। बट आज हम लोग लद्दाख पहुँच जाएंगे। कल रात में आपको पांग का स्टेटस बता देता हूँ। इतनी भयंकर बारिश हुई ना, ऑलमोस्ट कल 5-6 घंटे बारिश हुई है, विच वॉज नॉट यूजुअल बिकॉज पांग वाले साइड में बारिश होना वॉज नॉट हैपनिंग। एंड हमारा डिसीजन सही था कि हम लोग यहीं पर रुक गए गाइस। फिलहाल हम लोगों ने सारा सामान पैक कर लिया गाइस, वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू मूव आउट। सारा सामान ऑलरेडी हाइलेक्स पे लोड हो चुका है गाइस। एक चीज और मैं आपको अपडेट बता देता हूँ कि हम लोगों ने ना BMW S1000RR का RS एक्टिवेट करा लिया है एंड इसका जो टायर था ना वो भी हम लोगों को मिल चुका है। बट द थिंग इज BMW के जो टायर है वो यहाँ पहुँचने के लिए 40,000-50,000 रुपये कॉस्ट कर रहे हैं, जो कि लॉजिकल रीजन नहीं है बिकॉज फ्लाइट आएगा फिर 10 चीजें और है। तो बंटी भाई को मैंने कॉल कर दिया था। बंटी भाई आपको पता है गाइस ऑलवेज हेल्प आउट। बंटी भाई ने ना टायर BMW चंडीगढ़ शिप करवा दिया है एंड BMW का जो टायर है वो BMW चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। एंड इसमें जो भी टायर लगाया ना गाइस वो चेक करो, ये रेस ओरिएंटेड टायर है। एंड जो नया टायर हम लोग मंगा रहे वो ये वाला टायर है गाइस जो हायाबुसा पे लगा है। नॉर्मली BMW पे ना 200 साइज का टायर लगता है बट हम लोग 190 मंगा रहे हैं बिकॉज ये वाला टायर ना अच्छा परफॉर्मिंग है। फिलहाल गाइस वक्त आ चुका है फ्यूल अप करने का। चेक दिस आउट, जो हम लोगों ने फ्यूल अप खरीदा था उससे हम लोग हायाबुसा और ज़ीनोसो में फ्यूल अप करा रहे हैं। सांस इतना काम कर रहे हैं गाइस, थोड़ा सा सांस इतनी भयंकर फूल रही है ना। लो पहला फ्यूल अप हो रहा है पांग में हमारा। बस फ्यूल तो था लेकिन इस पर है ना थोड़ा बहुत तो फ्यूल था ही, पहुँच जाती है। ओके बॉयज सो वी आर रेडी टू मूव। बाइक को हो चुका है मस्त फ्यूल अप एंड आज दुष्यंत चला रहा है मेरे साथ बाइक। नो मेरी बात पहन लो कुछ, ऊपर जाके ठंड टूंड मत करना। ओके बॉयज वी आर रेडी टू मूव एंड शुक्रिया कर देते हैं इन भाई लोगों का, इन्हीं के कारण गाइस आज व्लॉग अपलोड हो पाया। थैंक यू सो मच भाई फॉर द इंटरनेट, इन्हीं के कारण। पाजी थैंक यू सो मच, आपका इंटरनेट भी हम 2-3 बजे तक यूज़ कर रहे थे। थैंक यू पाजी, शुक्रिया भाई, इन लोगों के कारण ही गाइस आज व्लॉग जा पाया, नहीं तो इस जगह पर कोई इंटरनेट देता भी नहीं गाइस। बट हमें भाई लोग मिल जाते हैं, अच्छे कर्म करें ना तो अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। फिलहाल फ्यूल गाइस आधे से ऊपर जा चुका है। ओके बाजी झूले गाइस, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ना सच्ची में बहुत ज़्यादा लो है गाइस। ज़ीनोसो देखो कितनी गंदी हो रखी है सभी चीज़ें। एक्चुअली पीछे ना कल बहुत भयंकर ऑफ रोड था, बस आज ये आखिरी मुश्किल मुकाम है गाइस, ये कम्प्लीट कर ले फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निकल गए गाइस आज की राइड के लिए। एंड द थिंग इज गाइस वो चेक करो, हाँ 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 पूरी अभी बर्फ बर्फ मिलेगी आज ही भी, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी ना, सो इस कारण से पूरा स्नोफॉल है ऋतिका उधर। यहाँ से लद्दाख केवल 4 घंटा बच गया, 176 है बस। ये आखिरी रोड है जहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें हैं। ऋतिका तुम्हें ग्लव्स 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 गाइस, ऋतिका को ना ग्लव्स पहनवा देते हैं बिकॉज ऊपर ना ठंडा सीन बहुत भयंकर होगा। अरे कुछ ठीक नहीं है, तुम तबीयत तबीयत खराब होगी तुम्हारी फिर दिक्कत होगी। आज से मजा आएगा गाइस राइड का। अभी तक ना हम स्लो चल रहे थे क्योंकि ज़ीनोसो इतनी स्पीड में नहीं थी, बट अब ज़ीनोसो एकदम फुल पावर स्पीड में आ चुकी है। आज गाइस हम लोग क्रॉस करेंगे तांगलांगला पास एंड इट इज गोना बी अ टफ पास टुडे बिकॉज कल रात ऑलरेडी पांग में बारिश हो चुकी थी। नीचे पांग है, नीचे मेडिकल कैंप भी है, हमें ऑफिसर्स मिल गए थे जानने वाले कुछ एंड उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट करा ना गाइस। फिलहाल अभी लुक एट आवर हाइलेक्स, क्या मस्त भग रही है बॉयज। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस रोड पर जिस रोड का सभी को इंतजार रहता है। ये रोड एकदम सीधी है गाइस एंड हम लोग अपनी सुपर बाइक वहाँ पर उतारने वाले अंदर। भाई ये रोड है ना बहुत सुंदर है गाइस, बट ये बीच बीच में ना टूट रखी होंगी बिकॉज ये सेंसिटिव एरिया गाइस, तो अगर बाई चांस कभी कुछ अटैक अटैक हो जाता है तो रोडों से दुश्मन ना आगे एकदम जल्दी ना बढ़ पाए, इसीलिए गाइस ये बीच में ना हाईवे पूरे तोड़ रखा है। मैंने आपने कई जगह पे देखा होगा जो ब्रिज है ना, गवर्नमेंट बहुत तगड़े ब्रिज बना सकती है बट वो ब्रिज कच्चे इसलिए बना रखे हैं ताकि वो कभी भी मुसीबत आने पर आराम से तोड़े जा सके। बट यहाँ पर विंड ब्लास्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा गाइस। फिलहाल क्या मस्त जगह गाइस, आज तो वेदर भी सेक्सी हो रहा है। ऊपर सामने वाले पहाड़ों पर आप लोग देख सकते हो फ्रेश स्नो गिरी, एकदम फ्रेश स्नो। आएंगे क्या हूँ तुमसे जो रात बीती सो
सुंदर जगह है भाई, क्या सुंदर जगह है कसम से गाइस। ऐसी जगह पर आकर के ना मतलब दिल खुश हो जाता है यार। और ऐसी सुंदर जगह आपको केवल लेह लद्दाख वाले रूट पर ही मिलेगी। एंड ऑनेस्टली गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मनाली लेह वाला रूट अपनाना, बिकॉज जे एंड के वाला जो रूट है ना वो पूरा हाईवे यार, और वो बोरिंग से रास्ता हो गया है, बिकॉज वहाँ पर ना केवल आपको एक्सेलेटर खींच के ही रखना पड़ता है। जब आप इस रास्ते से आते हो ना आपको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, हर एक चीज़, पानी, बर्फ, धूल, मिट्टी, ठंड। एंड आज का मौसम ना थोड़ा सा खराब हो रखा है, प्लस मेरे को ठंड भी लगने से हो चुकी है। लद्दाख में जीनोस और हयाबुसा एकदम 120-130 कर रही है भाई, पटाखे सुनाई कहूँ भाई। बस अब उन पहाड़ों पे जाने, वो देख रही हो वहाँ जाने भी हम लोगों ने, हाँ वहाँ जाना है, ख़त्म होने वाले भी थोड़ी देर में, क्योंकि धूप नहीं है ना, दिक्कत है, मौसम ख़राब है। सो वहाँ पर ना टेम्परेचर बहुत लो जाने वाला है, 38 किलोमीटर बचा है बस तांग लांगला। गाइस चेक दिस आउट, भाई साहब तूफान आ रहा है भयंकर वाला, आगे चेक करो, आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा भाई, पूरे टॉर्नेडो चल रहे हैं। हम लोग कहाँ घुसने वाले हैं यार? गाइस हम लोग घुस चुके हैं तूफान के अंदर। ओ भाई हवा ना बहुत तेज चल रही है, आई डोंट नो आपको मोटर ब्लॉक के अंदर आवाज़ आ रही नहीं आ रही होगी, बट बहुत तेज है गाइस, हवा बहुत ज़्यादा तेज। भाई मिट्टी का तूफान गाइस, मैं तो गाइस फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा कुछ लेह लद्दाख में। भाई ये तो बहुत दूर से आ रहा है गाइस, ये ना यहाँ से नहीं आ रहा है, ये बहुत दूर से आ रहा है, ये तो इसका केवल स्टार्टिंग है। वहां चेक करो ना नीचे भाई साहब, ओ नीचे चेक करो, भयंकर पूरा धूल धूल हो रखा है, वो धूल धूल ना ऊपर उड़ करके आ रही है, ओ भयंकर खतरा सीन, इतना ज्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है ना। यहाँ चेक करो बाइक कहाँ सरक रही है लेफ्ट में, ये चेक करो गाइस, यहीं से उड़ रही है पूरी मिट्टी। चेक करो भाई कम से कम ना 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं गाइस, वो देखो टॉर्नेडो बन रहा है। तो बॉयज हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं तांग लांगला, और अब मैं आपको ना टेम्परेचर चेक कराता रहूंगा, 10 डिग्री यहाँ पर है, ऊपर पहुंचते पहुंचते माइनस में जाने वाला है। मैंने तो ग्लव्स पहने हुए, ऋतिका ने ना ग्लव्स भी नहीं पहने हुए गाइस, अभी से ठंड लगना शुरू हो चुकी है, मैं एंकर ऊपर तो पता नहीं क्या हाल होगा। सो बॉयज पहुंच चुके हम लोग तांग लांगला की ऊंचाइयों पर, एंड द थिंग इज यहां पर बारिश होना भी शुरू हो रखा है। बारिश में ना बस एक चीज़ खराब हो जाती है, जब आप भीगते हो ना तो आपकी बॉडी से टेम्परेचर और भी तेजी से उठता है गाइस, एंड रोड भी ना स्लिपरी हो रखी है। फिलहाल मैं रेन मोड एक्टिवेट कर देता हूँ गाइस, आया हूं उस समय। गाइस यहां पर बारिश तेज होना शुरू हो चुकी है, मुझे ना ऋतिका और भव्या को ना हेलिक्स के अंदर बिठा देना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडा है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडा। ठंड लग रही है, अपने हाथ ना मेरी जेब में डाल दो पीछे। अरे तुम्हें ना हाइलेक्स में बिठा देते हैं, बहुत ठंड है। बॉयज फाइनली थांग लांगला की रोडों पर, इससे पहले इतना एक्सट्रीम तो नहीं करा होगा ऋतिका तुमने, इतना एक्सट्रीम तो नहीं करा होगा अभी। अभी आगे देखो, वहां देख रही हो भयंकर मजा आ रहा है, बारिश हो रही है। बॉय सामने चेक करो, पूरी बर्फ बर्फ हो रखी है, एंड अब तो बारिश होना भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्लव्स गीले होने शुरू हो चुके हैं यार। ऐसे मौसम में ना बाइक चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्लस विंड ब्लास्ट, मेरे तो हाथ गीले हो गए पूरे, ऋतिका के हाथ ना भीगे यार, इसके हाथ भीग जाएंगे तो बेचारी बीमार हो जाएगी। ओ भाई भाई बस इसकी कमी थी, एक तो बारिश, ऊपर से टेम्परेचर माइनस, एंड ऊपर से वाटर क्रॉसिंग। बच गए बच गए बच गए, पैर नहीं भीगने चाहिए गाइस, पैर भीग गए तो गए।
एक तो बारिश भी टेढ़ी पड़ रही है गाइस, GoPro का ना मैंने वाटरप्रूफ भी नहीं करा अभी पूरा। दिस इज सो एक्सट्रीम, हाथ सुन होने शुरू हो चुके हैं मेरे तो। ऋतिका हाथ सही है? हाँ पूरा अंदर डाल लो ताकि बाहर सुनना हो, हाथ अंदर डाल लो, अंदर उसके अंदर डाल लो बेबी उसके हाथ। गाइस बारिश ने ना बहुत मुश्किल कर दिया सफर। गाइस बाहर का वेदर हो चुका है 5 डिग्री, मेरे को वाइजर ने थोड़ा खुला रख करके चलाना पड़ रहा है बिकॉज वाइजर ना एकदम धुंध से बन जा रहा है और बारिश तो रुक गई है भाई, क्या सुंदर है ना। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तांगनांगला पास। चेक दिस आउट, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और आज मैं आसमान की ऊंचाइयों पर और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। एंड ना पूरी लाइव स्नोफॉल हो रही है एंड ना हाथ पूरे जम चुके हैं, बट क्या मजा आ रहा है बॉयज। बाइक पर इतना मजा आ रहा है ना मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। फिलहाल अभी एक तो रील और शूट करते हैं गाइस बर्फ में यहाँ पर, बट जल्दी निकलेंगे बिकॉज टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर लो जा रहा है तो फिर तबीयत खराब होगी, फटाफट शूट करते हैं यार। ओके बॉयज यहाँ पर ना बर्फबारी कुछ ज्यादा तेज हो गई है एंड हमें लगा नहीं था इतनी तेज बारिश होगी। ज्यादा देर खड़े नहीं रहेंगे यहाँ पर बिकॉज बारिश और टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है भाई। गाइस बर्फबारी कुछ ज्यादा हो गई भयंकर, ओ भाई एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो गया तो। बिकॉज हमें लगा नहीं था कि हम लोग लाइव स्नोफॉल में बाइक चला रहे होंगे यहाँ से। टेम्परेचर बाहर का गिर चुका है गाइस -4 -4। मेरा वाला GoPro भी फ्लक्चुएट कर रहा है, ये वाला GoPro तो ठंड में खत्म हो गया गाइस। बॉयज हैवी स्नोफॉल हो रही है एंड मुझे ना GoPro को भी प्रोटेक्ट करके रखना है, मैं नहीं चाहता कि भयंकर, क्या मजा आ रहा है ऋतिका। सो बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वहां, चेक करो तांगनांगला पे एंड द थिंग इज यहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी वाले सीन हो चुके हैं। अभी फिलहाल गाड़ी भव्या और दुष्यंत चला रहे गाइस, मैं हाइलेक्स पे चला रहा हूँ बिकॉज मेरा ना GoPro पूरा बंद हो चुका है गाइस। एंड द थिंग इज यहाँ चेक करो बाहर पूरी बर्फ ही बर्फ हो रखी है। गाइस चेक दिस आउट, क्या भयंकर वेदर हो रखा है। हाँ ना मेरा GoPro बंद हो गया भाई यहाँ पर ठंड से सोचो ऑन ही नहीं हो रहा भाई। बॉयज चेक दिस आउट, क्या एक्सट्रीम रोड हो रखी है, क्या एक्सट्रीम रोड भाई साहब। आगे इतने भयंकर पैचेस हो रखे ना, इतने भयंकर पैचेस और साइड में पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर गाइस। ये तो हार्ड होगा ना पूरा। हाँ ये तो पूरा हार्ड है गाइस, कहाँ चढ़ा रखी है और लोडेड और लोडेड भयंकर, 500 किलो लोडेड है पीछे, आराम आराम से चल रहे हैं, बस उधर नहीं जा सकते क्योंकि अगर उधर जाएंगे ना तो मिट्टी ना बिल्कुल अस्थायी हो रखी है, कभी भी फिसल सकती है, इसीलिए हम लोग राइट हैंड साइड चला रहे हैं गाइस। पीछे से और दो गाड़ी आ रही है, वो भी हमारे पीछे ही चल रही है और एकदम सेफ एंड सिक्योर। अभी तो लौट कर भी आना है भाई। बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तांगनांगला से नीचे और आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय बहनी, मैं भाई की बहनी तो गाइस सच्ची मैम सुपर प्राउड ऑफ भाई, इतना भयंकर ऑफ रोड। आप लोगों ने ऊपर सिचुएशन देखी थी कैसी थी, इस उस सिचुएशन में अगर इसने अकेले बाइक चला ली ना Xenoso, इसने ना मेरे से तांगनांगला पे ही बाइक ले ली थी गाइस बिकॉज उस टाइम ना बहुत पैनिक सिचुएशन हो गई थी, कौन क्या कर रहा था, फिरज की तबीयत भी खराब होनी शुरू हो गई थी, इसलिए हम लोग फटाफट फटाफट बाइक लेकर के नीचे आ गए। बट भव्या ने जो बाइक चलाई है ना आज गाइस मजा आ गया, सीखा किससे, डांट खा करके कुछ ना कुछ तो सीख लिया गाइस इसने। दुष्यंत भी सही बाइक चलाता है, एक ही बंदा हमारे ग्रुप में जो यहाँ लद्दाख में जो 60 चलाने के लिए ऑरेंज पर पहुंच चुका है, चेक दिस आउट, वो ऑरेंज पर अगर वो रेड पर गया ना तो गाड़ी ऑलमोस्ट सीजन की कगार पे आ जाएगी। सो अभी ना यहाँ पर एक बटन दे रखा होता है गाइस हाइलेक्स वालों ने, तो उसको बटन दबा करके मैनुअल रीजनरेशन इन प्रोग्रेस है गाइस। आई होप ये बोल रहा है 15-20 मिनट में कम हो जाएगा, अगर ये 15-20 मिनट में कम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है गाइस इसमें। एंड द प्रॉब्लम इज हमारे पास फोन के नेटवर्क भी नहीं है, हर्ष और दुष्यंत पता नहीं कहाँ आगे चले गए, रोकते ही नहीं गाड़ी, एक बार बस बाइक लेकर निकलते तो बस पीछे ही नहीं देखते। यही डिफरेंस होता है जब हम लोग बाइक चला रहे होते हैं ना तो हम लोग हाइलेक्स के लिए हर 5 मिनट पर रुकते हैं, अगर नहीं आती तो हम लोग पीछे मुड़ के रुकते हैं, और ये लोग निकल गए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया हमें है ना, आधा घंटा हो चुका है गाइस बस भगा के पता नहीं कहाँ ही जा रखे हैं, बारिश हो रही थी। ओके गाइस फाइनली हमारी जो वार्निंग थी वो ऑरेंज से घट करके कम आ चुकी है, एक्चुअली हम लोग ना 13,000 से ऊपर की हाइट में थे, लाइक इस वजह से लाइक वो नीचे नहीं आ रहा था, बट अभी हम लोग ना ऑलमोस्ट लाइक 11-11,500 रुपए की हाइट पर है,
So, guys, रात के बज रहे फाइनली 8 एंड द थिंग इज हमारी DMF की वार्निंग जा चुकी है गाइस पूरी और यार हर्ष और दुष्यंत भी मिल चुके हैं बट मैंने इतनी भयंकर डांट लगाई है मैं सीधा रूल है गाइस अगर 10 मिनट से ज्यादा आगे पीछे हो रहे हो ना तो रुकना बनता ही है रील फोटोज आ जाएंगे यार पता नहीं होता ना पीछे वाले राइडर के साथ क्या हो रहा है क्या प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैंने तो बहुत भयंकर डांट लगाई लोगों को इन्हें सीखना भी होना चाहिए क्योंकि पता है क्या सीन है आप राइडिंग ग्रुप में ना किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते मिंट लगते हैं गाइस पीछे वाले बंदे के साथ कुछ भी होने में और द थिंग इज गाइस उस मिंट में ही ना आप उस बंदे को बचा सकते हो सो मैंने तो अपने ग्रुप के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हुए कि भाई अगर कोई भी गाड़ी 10 मिनट तो छोड़ दो 5 मिनट से ज्यादा गायब भी है ना हाईवे पे तो आपका काम रुकना है और आज इनको बहुत सही डांट पड़ी है भव्या को भी डांट पड़ी है पहले भी बहुत सारी मेरे को तो हमेशा पड़ती है तो तभी तो तुमने लेह लद्दाख कर लिया लोग कमेंट कर रहे थे भव्या फर्स्ट फीमेल मोटर व्लॉगर है जो जिसने सुपर बाइक पर लेह लद्दाख नहीं हूँ मैं सॉरी मतलब मेरे भाई का ही मतलब मेरे साथी तो है ना मोटर व्लॉगर तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हर्ष वहाँ पर है और दुष्यंत भी वहाँ पर है एंड आज फाइनली गाइस हम लोग लेह लद्दाख एंटर करने वाले हैं गाइस ये चेक करो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग लेह लद्दाख इतने दिन बाद गाइस ले लद्दाख हम लोग एंट्री मार रहे हैं कैसा लग रहा है गाइस मजा अब जो तबाही वाले व्लॉग्स अब शुरू होंगे ना गाइस मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितना तो स्कूटर पे भी जाना है हमें हाँ। के स्कूल हेलमेट पहन के इसने वो शादी के उसमें हेलमेट पहन के लेके जाऊंगी वहाँ फिर ये वो डायलॉग मारे की अरे नाक बीच में नहीं आती गाइस पहुँच गए हम लोग अमरेली हैप्पी वो रहे हमारे दो मस्त लौंडे वो जा रहे वो बहुत इतने दिन से ना गाइस हम लोग ऑफ रोड ही देख रहे थे वो लाइक ठंडा पानी ग्लेशियर का पानी बट आज हम लोगों को एक अच्छा सा पॉटी का पिट मिलेगा गाइस नहीं तो हम लोगों को सबसे गाइस इस पूरे ट्रैवल में सबसे ज्यादा नहीं था वो बाल्टी में से पानी निकाल आधे लोग तो वॉशरूम में भी जा रहे थे खाना कम खा रहे थे गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना वॉशरूम की थी इस पूरे ट्रिप पर सुबह उठ के पेट पकड़ के बैठ जाते पहले सोचना पड़ता था कि खाना है कि नहीं खाना बट पहुंच गए अभी मम्मी पापा को भी फोन करा गाइस एंड आज एक गुड न्यूज और दे देता हूँ लद्दाख पहुंचते गाइस हमारी जो हाइलेक्स है ना मैंने आपको कहा था ना हम इसका UK07007 नंबर ले रहे थे हमारा हाइलेक्स का UK07007 नंबर आ चुका गाइस बट इतना महंगा नंबर आया ना मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए का नंबर पड़ा है हम लोगों का भाई साहब सोचो 6 लाख रुपए का केवल नंबर ही नंबर आ रहा है इतना मैंने भव्या के दहेज के लिए बचा रखा था ना उसका केवल नंबर ही नंबर लिया गाइस तुम्हारे दहेज में 60 लाख दूंगा ना भव्या 60 लाख की वो रह गई बस मुझे चाहिए नहीं आपसे दहेज शादी तो कर लो पहले फिर साथ रहेंगे शादी के बाद पागल हो गया शादी के बाद यही रहूंगी क्या पति के साथ नहीं घूमूंगी अपने वापस आऊंगी लद्दाख उसे भी लेके बाइक पे वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करा लेगा तुम्हारा पति वो चोमूसा हुआ तो उसे तो पीछे बिठा के रखूंगी अगले 2 दिन की स्टे हमारे पास यही होने वाली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड इतने दिन बाद हम लोग आप लोग आ सकते हैं गाइस रूम बहुत मस्त है मेरा रूम तो ये वाला एकदम मस्त और मिलते हैं अभी बूफे पे भाई ठीक है तो गाइस चेक दिस आउट इतने दिन बाद झूले बोलते हैं इतने दिन बाद क्या मस्त रूम मिला है यहाँ पर मैं और हर्ष रुकेंगे गाइस सबसे मस्त चीज तो गाइस बाथरूम इतने दिन से ना हमारे पास अच्छा बाथरूम ही नहीं था इतनी हालत खराब हो रही थी ना मेरे को मेरे रूम से बाहर भगा दिया क्या तुम्हें शक्ल नहीं देख रही थी ना तुम कैसे आई हो अपने रूम में तो आना ही पड़ता गाइस अच्छे रूम्स हैं यार इस प्रॉपर्टी के एंड फिलहाल के लिए गाइस अभी फ्रेश अप होते हैं फिर मिलते हैं आपसे